हेलो दोस्तों, आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। एक है हमारा शूज़ स्केचर का और दूसरा है रेड टिप का। ये जो दोनों शूज़ है मैंने मंगाया है फ्लिपकार्ट से, और आप लोग को अलग अलग से रिव्यू मैंने बता चुका है, और मैं यही आप लोग के सामने में दोनों का कंपेयर वीडियो में ला रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं, ये जो है स्केचर का शूज़ है और ये बहुत अच्छा शूज़ है स्केचर ब्रांड का। मेमोरी फ्रेम है जिसमें, आप लोग देख सकते हैं, रिलैक्स्ड फिट मेमोरी फ्रेम करके है, एयर कूल्ड स्केचर का 4.0। और देखिए, इसका अनबॉक्सिंग अलग से कर चुके हैं। फिर देखिए इस प्रकार से आपका जो बॉक्स के अंदर आता है, और ये इस प्रकार से है फर्स्ट लुक। और इसको मतलब आप लोग जब देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि ये जो शूज़ है ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है और ब्रांड का है, स्केचर ब्रांड, जो कि अभी टॉप ब्रांड में एक है। और देख सकते हैं दूसरा शूज़ भी, और देखने में भी गुड लुकिंग है, और पहनने में आपको जो कंफर्ट मिलेगा वो बहुत अच्छा कंफर्ट मिलने वाला है, क्योंकि इसमें मेमोरी जो फोम है, मेमोरी फोम आपको ऐसे लगेगा कि आपका जो पैर है उसको कहीं भी कुछ जोर दे रहा है, डिफेक्ट लग रहा है, इस प्रकार से कुछ नहीं पता चलेगा। आपको ऐसे लगेगा कि आपका जो पैर है बहुत कंफर्ट लेवल में है, वो जो मेमोरी फॉर्म है वो बहुत अच्छा काम करता है। इसी प्रकार से देखते हैं दूसरा शूज़ हमारा रेड टेप का है। रेड टेप का कॉजल शूज़ है ये। आप लोग इसको पार्टी वेयर और कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, अच्छा गुड लुकिंग वाला अगर शूज़ चाहिए तो इस शूज़ को आप लोग देख सकते हैं। ये जो शूज़ हैं आप लोग देखने में बहुत गुड लुकिंग का है, देख सकते हैं रेड टेप का। और ये आपको चीप ब्रांड का बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। इसका जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत अच्छा बिल्ड क्वालिटी है, और आप लोग देख सकते हैं इसका लुकिंग इतना अच्छा है लुकिंग कि बैक साइड से फ्रंट साइड से, कि आप लोग कहीं पार्टी वेयर में पहन कर जाते हैं तो नो डाउट तो बहुत अच्छा लगने वाला है। और इसमें थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, वेंटिलेशन इसमें बहुत कम है ये रेड टेप में, और आप लोग जो स्केचर्स का जो देख रहे हैं स्केचर्स में वेंटिलेशन बहुत अंदर तक जाएगा, मानी कि एयर जो है ना फ्लो वो अंदर तक भी जाएगा। आपको पूरा फील होने वाला है कि आपका जो पैर है उसमें पसीने वाले करे, कोई अगर प्रॉब्लम होगा वो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है स्केचर्स में। और अगर आप लोग लुकिंग वाइज देखना चाहते हैं तो रेड टेप का आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं। और दोनों शूज़ के बारे में मैं अलग अलग वीडियो में बना चुका हूँ, और आप लोग चाहेंगे तो अलग अलग भी जा करके देख सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा मैं बाहर निकाल करके इसको देखता हूँ। और देखिए ये शूज़ जो है इनसाइड से इस प्रकार से हैं, थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाते हैं आप लोगों को। मेमोरी फोम करके इनसाइड में देखिए है अलग से, और इसका जो मैं मेमोरी फोम को निकाल करके देखा वो नहीं निकल पाया, इसलिए बिना निकाले बिना ऐसे ही मैंने बता दिया। देखिए पुशअप भी हो रहा है, अच्छा खासा हो रहा है, आप लोग पूरा देख सकते हैं। स्केचर्स का जो ब्रांड है उस साइड में है, एस करके लिखा हुआ है, बहुत अच्छा फील देता है, लुकिंग वाइज भी अच्छा है। और मैं बोलूँगा कि अगर आप लोग को अच्छा खासा लेना है 2000 के अंदर का, तो आप स्केचर्स भी लीजिए, क्योंकि अगर आप पहनेंगे और अच्छा नहीं लगेगा तो क्या मतलब। और रेड टेप भी बुरा नहीं है पहनने में, बहुत अच्छा फील देगा, बस इसमें एयर का जो प्रॉब्लम है बस वही है, क्योंकि इन साइड में एयर जाएगा नहीं, तो अगर आपके पैर में अगर पसीने का अगर दिक्कत होगा तो फिर इसमें प्रॉब्लम आएगा आपका। लेकिन अगर स्केचर्स अगर आप पहनते हैं तो लोग उसको देख सकते हैं, और देख कर साइड से जो मेमोरी फोम है उसको मैं पुशअप करके मैं खुद इसको फील कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग को शायद मैं बता नहीं पा रहा हूँ, उसको निकालने में दिक्कत हो रहा है, मेमोरी फोम है और चिपका हुआ है इसलिए उसको नहीं निकाल पा रहा हूँ। बाकी साइड से अच्छा खासा इसका कुशनिंग दिया गया है, और जो मेमोरी फोम है वो काबिले तारीफ है स्केचर्स का। मैं सोचा नहीं था कैसे आएगा करके, लेकिन 2000 के अंदर अगर आपको कोई शूज़ लेना है तो स्केचर्स का ये शूज़ जो है लीजिए, 4.0 का है इक्विलाइजर, बिल्कुल मैं फुल्ली रिकमेंडेड कर रहा हूँ इसको शूज़ को, आप लोग बिल्कुल ले सकते हैं। हर तरफ से ये बहुत ज़्यादा कम्फर्ट है, कम्फर्ट के मामले में एकदम बॉस है बॉस, देख सकते हैं सभी तरफ से। और ज़्यादा तो और बोलूँगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा बोलने की बात नहीं है। आँख बंद करके अगर आपको वेंटिलेशन लेना है, एयर वेंटिलेशन, तो ले लीजिए स्केचर्स। और लुकिंग वाइज, पार्टी वेयर वाइज, या फिर ये सब मेरे में 9 नंबर आता है, देख सकते हैं 9 नंबर का मैंने मंगाया है।
और अगर आप पार्टी बेस को आप रनिंग के लिए ये सब के लिए नहीं उसको यूज़ कर सकते, अगर रनिंग के लिए कुछ करने के लिए अगर आपको चाहिए तो मैं बोलूँगा इसके जस्ट को। इसका मेमोरी फोन देखे निकल गया, निकला निकला तो मैं निकाल के बताया, पहनने बहुत आपको कंफर्ट मिलेगा, नो डाउट कंफर्ट मिलेगा। बस दिक्कत की बात यह है कि अगर इसमें रनिंग करेंगे तो फ्लेक्सिबल नहीं है ये शूज़, आगे मैं दिखाऊंगा फ्लेक्सिबल नहीं है, जिसको है इसका कंफर्ट मैं बता रहा हूँ। देखिए ये होता है कंफर्ट का बादशाह, ये है कंफर्ट, क्योंकि इसको जब मैं ऐसे ही मैं अगर इसको मोड़ रहा हूँ, मोड़ने में एक भी तरह दिक्कत नहीं होगा, मतलब पहनने में बहुत अच्छा आपको कंफर्ट मिलने वाला है। और रेड टेप को देखिए, देखिए रेड टेप को, बस अब आप कैसे सोच सकते हैं इसमें आप रनिंग करेंगे, बिल्कुल नहीं। बस आपको पार्टी वेयर और एक्स वाई जेड जो भी काम में अगर करना है 2-4 घंटे का तो इसे पहन सकते हैं, बाकी और कुछ काम नहीं। लुकिंग के लिए लेना है तो रेड टेप लीजिए, और अगर पहनने में मज़ा लेना है, थोड़ा फील आना चाहिए, तो मैं बोलूँगा स्केचर्स को ले लीजिए। नो डाउट स्केचर्स एक टॉप ब्रांड है, और है भी, आप एक बार लीजिए फिर उसके बाद बोलिए कि अगर अच्छा नहीं लगा तो। चलिए थोड़ा पहन करके इसको ट्राई किया जाए, और पहनते हैं और उसके बाद इसको ट्राई करते हैं, तो देख सकते हैं ये रेड टेप है, और रेड टेप को पहनने के बाद कैसे दिख रहा है आप लोग लुकिंग वाइज देख सकते हैं। पहनना है कॉजल टाइप का, बिल्कुल आप इसको ले सकते हैं, नो डाउट ये भी अच्छा है। बस यह है रनिंग के लिए नहीं है, पहनने के लिए है, थोड़ा 2-4 घंटे के लिए पार्टी वियर टाइप का, तो देख सकते हैं इस प्रकार से है। और ज़्यादा पुशअप वगैरह इसमें नहीं हो रहा है, एयर कैप्सूल टाइप से दिख तो जरूर रहा है मेरे को, लेकिन पता नहीं है कि एयर कैप्सूल ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। लेकिन देखिए पुशअप जो अगर मैं करूँगा तो उतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा है, सब हो रहा है ना, उतना देख देख सकते हैं आप लोग जूम करके, और उतना ज़्यादा पुशअप का पता नहीं चल पा रहा है इसमें। बाकी इन साइड से आपको फीलिंग अच्छा रहेगा, क्योंकि मेमोरी फोन है, तो मेमोरी फोन आपको इन साइड से कंफर्ट बहुत अच्छा से देगा। और चलिए फिर इसी के साथ हम लोग आगे वीडियो में मिलते हैं, बाकी मैं बोलूँगा चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, और चैनल अच्छा लगेगा तो ज़रूर आप लोग शेयर भी करिए, क्योंकि आप लोग जैसे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे तो इस प्रकार से मैं और वीडियो बनाते रहूँगा। ओके थैंक यू।